मासस ने दिया धरना, बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग। धनबाद शहर के रणधीर वर्मा चौक पर मार्क्सवादी समन्वय समिति तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी तथा बगोदर के भाकपा माले विधायक विनोद सिंह सहित सैकड़ों नेताओं ने भाग लिया। मौके पर बगोदर के भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि झारखंड के लोग जिस उम्मीद को लेकर पूर्ववर्ती रघुवर सरकार को विदाई दी थी और वर्तमान हेमंत सरकार को बहुमत दिया था, उन उम्मीदों पर झारखंड की हेमंत सरकार खड़ी नहीं उतरी है। ऐसे में हेमंत सरकार को रोजगार, विभिन्न अनुबंध कर्मियों के मानदेय समेत तमाम समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि धनबाद में प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज मामले में भी हेमंत सरकार को अभिलंब कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि झारखंड में नौकरी के लिए तमाम पास आउट छात्रों को अभिलंब रोजगार प्रदान किया जाए, जिससे कि झारखंड की जनता की उम्मीद बरकरार रहे। चौक में दिवसीय धरना दिया जा रहा है और ऐसे समय में ये दिया जा रहा है कि अभी आप देख रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त को वर्षगांठ मनाई जा रही थी और अभी 75वीं स्वतंत्रता जयंती दिवस मनाया जाएगा। लेकिन झारखंड में जो सरकार आई है, पिछले दिनों झारखंड की जनता ने काफ़ी उत्साह के साथ रघुवर सरकार को यहाँ से विदा किया था, भाजपा को विदा किया था और यहाँ पे हेमंत सोरेन के सरकार के नेतृत्व में जो है बहुमत दिया था। लेकिन सरकार 1.5 साल हो गए और पिछले सरकार के जाने में अगर एक बड़ी भूमिका थी तो राज्य के जो युवा हैं, राज्य के जो स्थानीय नागरिक हैं, उनके ऊपर जो अनुबंध कर्मी हैं, हमले हैं, नीतियाँ हैं, ये बड़ा सवाल था। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं पिछले दिनों जो शुरुआत हुई है, रांची हो या अभी जिस तरीके से धनबाद में लड़कियों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर जो अनुमंडल पदाधिकारी ने लाठी चार्ज किया बर्बर तरीके से, वो बहुत ही घृणित है।